वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड में किस तरह चार्जेस लगते हैं। फाइनेंस चार्ज ये होता क्या है, तो आज इसके बारे में हम देखेंगे, आपको लाइव बताएंगे कि एक बंदे को लगा है फाइनेंस चार्ज जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज है, और कितने पे लगा है वो भी आपको बताएंगे। समझ लीजिए कि 25,000 उसका बिल था, ठीक है, 25,000 बिल था, उस पर उसको 5% का ड्यू डेट आया, ठीक है। समझ लीजिए कि 25,000 उसका बिल था, और दो अमाउंट आता है, एक छोटा अमाउंट आता है, एक बड़ा अमाउंट है जो फुल पेमेंट होता है, और एक छोटा अमाउंट आता है। तो 25,000 उसका टोटल अमाउंट था, और उसका छोटा अदर अमाउंट था वो 1,250 का था। लेकिन उस बंदे ने जब 1,250 रुपये का बिल पेमेंट किया तो पूरा का पूरा उसको फाइनेंस चार्ज लग गया, उसको GST लग गया, और उसको इंटरेस्ट चार्ज लग गया। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी अमाउंट को पूरा पेमेंट कीजिए। अगर आप समझ लीजिए कि 25,000 यूटिलाइज कर रहे हो तो आप उसको पूरा पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपका जो ड्यू नहीं तो आपको क्या जो आप पैसा भरोगे ना छोटा अमाउंट, वो टोटल आपका डूब जाएगा। मतलब यार कोई काम का ही नहीं, आपको वो कुछ काम ही नहीं दे रहा, तो मतलब क्या है फिर भर के आपका वो इंटरेस्ट में चला जाएगा, आपको फाइनेंस चार्ज में चला जाएगा। तो कुछ इसी रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको टोटल का टोटल अमाउंट भर देना चाहिए, नहीं तो आपका जो पैसा भर रहे हो वो पूरा डूब जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपको चार्ज लगते हैं फाइनेंस चार्ज। दोस्तों आपको लाइव में बताना चाहता हूँ कि किस तरह आपको चार्ज लगते हैं अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते हो। देख लीजिए आपके सामने एक 24,358 रुपये का बिल है, जो कि 1,422 रुपये उसका मिनिमम अमाउंट है, टोटल अमाउंट है इतना, और इतना ही लिखा है, अक्टूबर का ही बिल है, और इनने पेमेंट किया है 1,324 रुपये। ओके, 1,324 रुपये पेमेंट किया है, तो इन प्लस चार्जेस 1,198, मतलब इनका जो टोटल इन्होंने पेमेंट किया था सारा चीज़ इसमें ही चला गया है, 1,198 में 1,198 चला गया, और 215 GST चला गया। तो दोस्तों मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी पूरा पेमेंट कीजिए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि पेमेंट रिसीव इलेक्ट्रॉनिक 1,224 रुपये, ठीक है, मतलब तो कुल टोटल पेमेंट इन्होंने जी ग्रीन में दिख रहा है ना दोस्तों, जब आप कोई भी बिल पेमेंट करते हो तो उसका जो पेमेंट दिखता है PDF में वो ग्रीन में दिखता है, और जो आपको चार्जेस वहाँ से लगे हैं वो चीज़ आपको दिखता है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि डिफरेंट फाइनेंस चार्ज 361 रुपये लग गए, फाइनेंस चार्ज 837 लग गए, और आपको 215.64 रुपये वो आपको GST लग गया। तो दोस्तों आपको फिर फ़ायदा क्या हो गया कि आपने उसका मिनिमम अमाउंट भर के। तो कभी भी दोस्तों आपको फुल पेमेंट करना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए इसमें सामने वाले बंदे को क्या मिला करके बताइए। अब उसने पेमेंट रोकने के लिए उसने सारा चीज़ कर दिया, लेकिन उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला यार। 361 रुपये वो भी चले गए फालतू में, फाइनेंस चार्ज में चले गए, और फिर 83837 इसमें भी चले गए। तो यार इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कभी भी फुल पेमेंट किया करो, हाफ पेमेंट मत किया करो, नहीं तो इसी तरह आप लोग आपके पैसे बर्बाद होते जाएंगे। और दोस्तों आप लोग को नीचे लेके चलता हूँ कि एक्चुअल में इसके बड़े बड़े चार्जेस क्या है। ये देखिए, अगर आप ATM कैश विड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आपको 2.5 का मिनिमम चार्ज 500 रुपये लग जाएगा, इंस्टेंट लग जाएगा। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से ATM से पैसा निकालते हो तो आपको 2.5 का चार्ज लगना ही लगना है। कैश डिपॉजिट एट अ ब्रांच, मतलब अगर आप बिल पेमेंट करते हो बैंक में जाकर,
तो आपको 3.250 पर ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा, तो मतलब 250 का चार्ज देना ही पड़ेगा। फ्यूल ट्रांजेक्शन चार्ज 1% सरचार्ज ऑन फ्यूल ट्रांजेक्शन, मतलब कि आपको फ्यूल ट्रांजेक्शन देना ही पड़ेगा। तो यार इसमें तो देना ही पड़ जा रहा है पैसा, तो हमको और चेक रिटर्न, अगर आप कोई चेक देते हो पेमेंट के लिए तो उसका भी अगर रिटर्न हो जाता है 500 रुपये, उसका भी फी लगेगा। और मिनिमम ड्यू, आपको मिनिमम ड्यू भरेंगे तो आपको GST भी देना पड़ेगा और फिर फाइनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज भी देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बहुत सारे चार्ज जो है क्रेडिट कार्ड में वो आप लोगों को बताया गया, लेकिन फिर भी आप लोग अगर टाइम पे भर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा लेट पेमेंट फी 15% ऑफ टोटल अमाउंट, मतलब यार 15% ऑफ टोटल अमाउंट आपको भरनी पड़ेगी। ओवर लिमिट पेनल्टी, अगर आप समझ लीजिए 90% से ज़्यादा यूज कर लेते हो तो आपको 600 रुपया भरना पड़ेगा भाई। तो बहुत ज़्यादा यार हर चीज़ पे, इतना तो डेबिट कार्ड पे चार्जेस नहीं रहते, डेबिट कार्ड में भी साल भर एक साल में एक बार चार्ज रहते हैं, लेकिन इसमें तो लेट पेमेंट है, ATM कैश विड्रॉल चार्ज है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये उनके PDF में ही दिया गया है, तो कंपनी हमेशा आपको बताती है लेकिन उस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं रहता है। ये देखिए फाइनेंस चार्ज अप्लाई व्हेन यू पे एनी अमाउंट लेस देन ड्यू, ठीक है, एनी अनपेड बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट इंक्लूडिंग फ्रेश परचेस एंड अदर बैंक चार्ज टिल ऑल ड्यू आर पेड इन फुल। तो अगर दोस्तों अगर आप जो फुल अमाउंट के बदले अगर छोड़ मिनिमम अमाउंट भर देना चाहता हूँ कि अगर आप मिनिमम ड्यू भरते हो, छोटा अमाउंट भरते हो, तो आपको फाइनेंस चार्ज भी लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज भी लगेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए सीधा सीधा इन्होंने किया है कि अगर आप 10,000 के ऊपर आपका स्टेटमेंट होता है, ठीक है, 10,000 की शॉपिंग कर ली, अगर आप 500 रुपये का उसका मिनिमम ड्यू है, ठीक है, तो आपको ये करेंगे, उसमें से आपको दो अमाउंट भरने के लिए आएगा। अगर आप पूरा भर दोगे तो आपको कुछ चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 500 रुपये भरोगे तो वो पूरा आपका कुछ मतलब जो आपने अमाउंट भरा है वो उसमें काउंट नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ चार्ज ले ही लेंगे वो लोग। तो दोस्तों यही बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया गया था। तो दोस्तों हमारी वीडियो से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।